अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस, और आज जो क्लास में आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है पोस्टर डिज़ाइन की। जैसे कि मैंने आपको सामने रखा हुआ है कि ये पोस्टर मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने पीछे लेटर हेड वाली मेरी क्लास में देखी तो वो देख लें, ताकि आपको अपडेट मिल जाए और लोगो डिज़ाइन की कि आपने लोगो कैसे डिज़ाइन करना है। क्योंकि एक ही सीक्वेंस में मैं चल रहा हूँ, अभी एक स्टेशनरी मैं बना रहा हूँ ओवरऑल एक ही कंपनी की। ओके, तो सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट करें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलती रहे। चलने चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। सबसे पहले मैं A3 साइज़ का एक हार्डवर्क लगा लेता हूँ। ओके, और इसको मैं इधर से डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये A3 साइज़ का आर्टवर्क मैंने लगाया, तो इसको A3 साइज़ का आर्टवर्क लगाया। A3 साइज़ का जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, न्यू में आपने जाना है और जस्ट इसमें A3 क्लिक कर देना है, और इधर CMYK होना चाहिए और 300 PPI, इसका मतलब कि प्रिंटिंग क्वालिटी एग्जैक्ट हो। अगर आप ब्लीडिंग स्पेस देना चाहते हैं तो ओके, अदरवाइज ना दें। अगर आपने देनी है तो आप दे सकते हैं, 0.125 होती है ब्लीडिंग स्पेस। ओके, तो ये चीज़ है, तो ये भी A3 साइज़ है एक्सेप्ट। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैं जाऊँगा गूगल पे टाइप करूँगा जी, गूगल पे टाइप करूँगा UAE। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड निकाल लूँगा UAE का, जो मैंने बैकग्राउंड लगाया था, ये वाला बैकग्राउंड मैंने लगाया हुआ है, और यही वाला बैकग्राउंड मैं निकाल के लाऊंगा। ये है वो बैकग्राउंड, इसको मैं जस्ट कॉपी कर लूँगा और इधर आके पेस्ट कर लूँगा। ओके, इतनी चीज़ आपको समझ आ गई। Ctrl-B करके मैंने पेस्ट कर दिया, Ctrl-C करके कॉपी। तो ये एग्जैक्ट बैकग्राउंड मैंने लगा लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, क्योंकि बुर्ज खलीफा के नाम से UAE जो है ना ज़्यादा मशहूर है, कि बुर्ज खलीफा है इधर, तो इसको मैं एग्जैक्ट थोड़ा सा छोटा करके इतना कर देता हूँ। ओके, ये चीज़ हो गया। तो अब ये लेयर मुझे डिस्टर्ब ना करे, इस तरह से मैं इधर जाके इसको लॉक कर लूँगा। जब ये लॉक हो जाएगी फिर मैं क्या करूँगा, मैंने एक ये वाला साइड वाला लगाना है। साइड वाले के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट एक बॉक्स पकड़ लूँगा। डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि आपने वो साइड वाला कैसे लगाना है, लेकिन मैं एक बॉक्स पकड़ लेता हूँ अपने आसानी के लिए, जिस तरह मुझे आसान लगता है, और उसको रेड कलर दे देता हूँ, जो कि रेड कलर हमने पूरी सीरीज में यूज़ किया। फिर अब मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट इस पर क्लिक करके डबल क्लिक करके इसको डाउन ले आऊँगा, शिफ्ट प्रेस करके इस जगह पर आकर रखूँगा, और इसके साथ भी इसी तरह करूँगा, डबल क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके इस जगह पर आकर। तो ये सेंटर है, ये आप देख सकते हैं। तो अगर आप इसको मूवमेंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ओवरऑल इस तरह मैंने सेलेक्ट कर दिया, कलर टूल सेलेक्ट करके इस पर कर लिया, और इसको लिटल बिट आप इस तरह खींच के भी इसको बड़ा कर सकते हैं शिफ्ट प्रेस करके, ताकि सीध लो। तो ये चीज़ मैंने बना ली है, इसकी सिंपल सी टेक्निक थी। तो ये बैकग्राउंड को मैं लिटिल बिट लाइट कलर देना, लाइट कलर कैसे दूंगा, मैं जाऊंगा पहले इसको अनलॉक कर लूँगा, और इसको मैं 10% दे दूँगा। अगर 10% ठीक है ओके, अदरवाइज 20% ओके, ताकि पता भी तो लगे ना कि पीछे बैकग्राउंड दिया हुआ मैंने UAE का। तो फिर इसको सिलेक्शन कर लूँगा और इसको मैं लॉक कर लूँगा। ये सिंपल सी थी कि ये चीज़ बना दिया मैंने। तो लोगो सेम टू सेम यही वाला लोगो मैं पकड़ लूँगा, इसको रिलीज क्लिक मार्क कर लूँगा, इसका बैकग्राउंड डिलीट कर लूँगा। अगर ये मेरी लोगो वाली क्लास आपने नहीं देखी तो आप जो है ना नीचे जाके देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा इसका लोगो को किस तरह आपने बनाना है, और
इनवेलप कैसे बनाना है लास्ट क्लास में सिखाया था, और लेटर हेड कैसे बनाना है, सब कुछ इसके सीक्वेंस में मैं चल रहा हूँ। एडवर्टाइजिंग भी क्लिक हुआ तो इसको एडवर्टाइजिंग को पकड़ के कंट्रोल ग्रुप कर दिया मैंने, कंट्रोल जी है इसकी कमांड, और इसको लिटल बिट थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसको इस जगह पे आके सेट कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि टेक्निक से इसको मैंने इधर रख दिया और इधर आके एक बॉक्स लगा दिया और इसको भी रेड कलर कर दिया, जस्ट सेलेक्ट करके रेड कलर, ये हो गया। इसको पकड़ के फ्रंट कर दिया, एक और लगा लिया बॉक्स, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सीक्वेंस में सीध में है। इधर से बेशक थोड़ा सा रुक हो रहा, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा कंट्रोल आर में करूँगा रूलर की मदद से, इसको सीध में रखूँगा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, ये हो गया। कंट्रोल डी, कंट्रोल सी करूँगा, फिर रूलर की मदद से ड्रैग करके आल्ट प्रेस करके इसको तीन लगा लिया। तो ये तीन आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने लगाए हुए हैं। इसके बाद मैंने क्या किया हुआ टेक्निक, मैंने जस्ट इसको सेलेक्ट करके आल्ट प्रेस करके कॉपी ली है इसकी, लिटिल बिट इसको छोटा कर दिया। ओके, देन इस पे डबल क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके लिटिल बिट रोटेट कर दिया। अभी तो इसमें 3D का लुक नहीं आ रहा, लेकिन जब आप कलर में जाएंगे, ये कलर की ऑप्शन आपके पास आ रही होगी, अगर नहीं आ रही तो आप विंडोज पे जाके कलर को ओपन कर लें। तो आप इसको लिटिल बिट इसमें फाइल है, तो आपकी मर्जी है रेड का कौन सा शेड देना है, मैं लिटिल बिट डार्क दे देता हूँ क्योंकि इसमें डार्क भी है, और इसी को सेम टू सेम कॉपी करके आर्ट प्रेस करके इस जगह पे आके मैंने जस्ट लिख करके आर्ट प्रेस करके इसको इस जगह पे आके रख देना है। इस जगह पे आके आपने रख दिया ये स्पेस पर की, उसके लिए क्या करना है जस्ट इसको सिलेक्ट करके इस तरह कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं तीन मैंने वो बना लिए बॉक्सेस। नेक्स्ट जो मेरा था टेक्निक वो ये थी कि मैंने जो है ना राइटिंग लिखी, राइटिंग कोई भी आपको देगा डिज़ाइनिंग में, तो मैंने एक फर्स्ट किए एक राइटिंग ले ली और इसको मैंने लिख लिया। बोल्ड में इस वजह से लिखा क्योंकि ये चीज़ मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, वो भी प्रोवाइड क्रिएटिव सर्विसेज। ओके, इस जगह पे मैंने रख दिया ग्राफिक डिज़ाइनिंग टाइप करके, एक बार रख दिया, राइट क्लिक करके इसको मैं फ्रंट कर देता हूँ, तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गया। तो लिटिल बिट इसको कर दिया, ओके, इसकी मोमेंट ओके हो गया, इसको लिटिल बिट पकड़ के ऐसा कर दिया, इसको लिटिल बिट पकड़ के स्ट्रेट कर दिया ताकि इक्वल रहे ना। ओके, इसको ओवरऑल सेलेक्ट कर लिया मैंने, कंट्रोल जी कर लिया, कंट्रोल जी कर लिया, या इसको सेलेक्ट करके ग्रुप डायरेक्ट आप कर लें बाकी प्रेस, इन तीनों को सेलेक्ट करके मैंने अलाइन या सिलेक्शन करना है, जस्ट ये क्लिक करना है, ये क्लिक कर लेना, ओके, तीनों की साइज बिल्कुल सेम है क्योंकि इस पर मैंने क्लिक किया वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करो। ओके, ये इस तरह हो गया। नेक्स्ट क्या करूँगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आऊँगा और इसको उस जगह पर रखूँगा, यूजर इंटर ग्राफिक डिज़ाइनिंग ले आऊँगा और उसको इधर रखूँगा, हार्ड प्रेस का जो इधर रखूँगा, अदरवाइज आप टाइप भी कर सकते हैं, ब्रिंग इन टू फ्रंट करके
तो ये चीज आ गई। इसी तरह आप यूजर इंटरफेस भी टाइप कर लेंगे और उसको राइट क्लिक करके टॉप पे ले आएंगे। तो ये थी सिंपल सी टेक्निक। अगर आप खुद भी राइट करना चाहें टेक्स्ट से राइट कर सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं और उसको इधर आ सकते हैं। लेकिन ये एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसका फॉन्ट और इसका साइज बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। जो मेन आपकी हेडिंग है फॉन्ट आपको सेम होना चाहिए, लेकिन इसको बोल्ड कर देना चाहिए, ओके। और फॉन्ट बड़ा होना चाहिए जो मेन आपकी जिसको आपने ज़्यादा शो करवाना है। ये चीज़ आ गई। लास्ट में ये लेटर हेड का मैंने ये चीज़ बनाई थी जिसमें डिटेल्स दी गई थी, यही आप पोस्टर में दे देंगे। कंट्रोल जी कर लूँगा मैं और इसको अपनी जगह पे ले लूँगा, राइट क्लिक करके इसको फंड कर लूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये डिटेल्स मैंने इसमें दे दी हैं, तो इसको मैं फंड कर लूँगा। ओके, अब नीचे वाले पेज को सिलेक्ट करके मैं इस पे शेडो दे दूंगा, ठीक है, थोड़ी डेप्थ है। ड्रॉप शेडो 75 775 5 रिव्यू करूंगा कैसा लग रहा है, तो ओके नॉट अ बैड, ओके। बट ये आप देख रहे हैं ये इसके नीचे आ रहा है, तो इस तरह से इसको पकड़ के सारों को लिटिल बिट इस तरफ खींच लेंगे अपनी तरफ, ठीक है, थोड़ा सा से हटे। लेकिन ये आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा इस तरफ हो गया है, इसको सिलेक्ट करते हैं इस तरफ कर दिया आपने, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट आपने इसको भी ड्रॉप शेडो दे दिया, ड्रॉप का लोगो है, इसके लिए फिर स्टाइलाइज पे जाएंगे, ड्रॉप शेडो। तो ये था सिंपल सा पोस्टर, जो कटिंग करने वाला वो इधर से कटिंग कर लेगा। अगर आप चाहते हो कि जो है सिर्फ आपको आपका बैकग्राउंड तक ही नज़र आना चाहिए जितना आपको कटिंग होगा, उसके लिए आप जस्ट एक बॉक्स लगा लोगे और उसको अनलॉक ऑल कर लोगे। बॉक्स लगा के इसको सिलेक्ट करके दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्लिक मार्क कर दो, तो जस्ट आपका आपको नज़र आ जाएगा कि आपकी प्रिंटिंग कैसी होगी। लेकिन ये आप देख सकते हैं, इसको मैं बैक पे कर लेता हूँ ताकि मेरा बैकग्राउंड हो जाए। तो ये थी सिंपल सी टेक्निक कि आपने जो है क्रिएटिव पोस्टर कैसे डिज़ाइन करना है। ये सब स्टेशनरी के हिसाब से ही मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, कोई कलर डिफरेंट नहीं ले रहा। तो ये थी सिंपल सी टेक्निक। अगर आप बिगिनर हैं, आप न्यू हैं, इलस्ट्रेटर सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने क्लासेस दी हुई है। प्ले लिस्ट पर जाके आप ये आपके लिए क्लासेस 24 क्लासेस मैंने अपलोड किए हैं, अभी 2-3 और करनी है। तो उसके अलावा ये भी मैंने क्लासेस दी हैं प्रैक्टिकल की, और ये टिप्स की भी क्लासेस दी हैं। अगर आपने नहीं सीखे, अगर आप न्यू हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप चाहें और इन सब से इस्तेफादा ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, तो आपको कहूँगा कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जवाब देना तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।